ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഷിയാബ്കേടെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ട്ടോ ഇന്ന് നവംബർ 11 ആണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും സാബിദൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷിയാബ്കത റെഡി ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് 8 കിലോമീറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് 8 കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ 16 കിലോമീറ്റർ 16 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് 8 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്കും പള്ളിയിലേട്ടും 8 കിലോമീറ്റർ റിട്ടേണും ഹാഫ് ഇയർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ദാ ഷിയാബ്കത ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷിയാബ്കന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകട്ടോ आज टोटल 16 किलोमीटर चलने के जुम्मा डे इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करो जुम्मा का नमाज के बाद हम भी जुम्मा का नमाज के लिए मस्जिद चल के जाएगा शियाब भाई भी आगे चल रहे हैं शियाब का നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുട്ടോ शियाब का फुल മാസ്കും സ്പെക്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാതെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് मैंने कहा आपको भी अपडेट कर दें नाम कास मार्केट ऐसे 8 किलोमीटर नमुकान ना अधिक आल्त्र पेट मनसावी शाब का कुरे आल्वि नोको मास्क हाँ अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स आज जुमा मुबारक शाह भाई की तरफ से शाह भाई की पूरी टीम की तरफ से और माशाल्लाह इस वक्त शाह भाई ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स सफ़र तय कर चुके हैं पैदल मस्जिद की तरफ क्योंकि हम सबको पता है क्योंकि इस्लाम में है कि लगातार 3 जुमा जो है वो आपके जमात के साथ में होने चाहिए तो इसीलिए जो है हर जुमा जो है माशाल्लाह पैदल तकरीबन मस्जिद जो है यहाँ से आफिया किड स्कूल से जो मस्जिद है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर है और 5 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन हम तय कर चुके हैं और जैसे जैसे आपको सबको पता है माशाल्लाह इस वक्त देखिए अल्लाह के नेक बंदे आपके सामने आगे चलते नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह इन्हें इसी तरह सेहत कुव्वत और जज्बा दे और इनकी अच्छी आगे दुआओं के लिए हम लोग आपसे दरख्वास्त करते चलते हैं और दूसरी चीज़ आपको पता है जुमा के सारे अरकान चूँकि जैसे कि साहब भाई हमें सब बताते रहते हैं जुमे के सारे अरकान को सुबह उठो गुसल के टाइम नियत करो सुरमा लगाओ साफ़ कपड़े धुले पहनो उसके बाद में जुमे के सारे अरकान वो पूरी टीम को बताते हैं कि किस तरीके से हमें जुमे के लिए अपने आप को सारी सुन्नतें पूरी करनी है और माशाल्लाह इसी तरह 8 किलोमीटर अभी जाना है और 8 किलोमीटर नमाज के बाद में वापस आफिया किड्स स्कूल हम लोग पहुंचेंगे तो सारी टीम को 8 किलोमीटर टोटल 16 किलोमीटर जो है वो टोटल हमारा सफ़र रहेगा आज मस्जिद तक जाने का और जामा मस्जिद दीन मोहम्मद जो कि बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है हिस्टोरिकल मस्जिद है वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ से जो है तकरीबन 3 किलोमीटर का सिर्फ सफ़र बाकी रह गया है और इसी तरीके से आज सारी टीम को जुमे के सारे अरकान उन्होंने बताए और इसी तरह सुबह हर चीज़ों की उसमें तालीमी जो है सब तालीम में उनको उन्होंने सब चीज़ों को बताना होता है और बाकायदा सारे अरकान पूरे करके नमाज के लिए जाते हुए और सुबह मुलाकात को जितने साथी आए थे माशाल्लाह उन सब से उन्होंने मुलाकात करी और सबको नमाज की दावत दी है और वो भी सारे नमाज के लिए माशाल्लाह पहले पहुंच गए उनको समझाया जाता है कि सिक्योरिटी का थोड़ा पर्पस है नमाज की नियत है तो इसलिए अभी आप फ़ोटो वगैरह ना करें तो सारे माशाल्लाह जिन जिनको नमाज की दावत दी थी वो सारे इस वक्त मस्जिद में इंशाल्लाह उम्मीद है पहुँच चुके होंगे बावजू अपनी अपनी सुन्नतें भी वो अदा कर रहे होंगे तो मैं सारे व्यूअर्स सारे चैनल पर सुनने वाले देखने वाले उन सब से गुजारिश करूँगा कि जुमे की नमाज के बाद में जो दुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कबूलियत होती है और अल्लाह ने इसीलिए जुमे को रखा हुआ है जुमे की नमाज को रखा हुआ है आप सब हम सब मिलके शाबाई के लिए उनकी बेहतरी के लिए अगले सफ़र के लिए इंशाल्लाह दुआ करें और यही दुआएं जो हैं उन्होंने ही अगला सफ़र उनका आसान करना है तो मैं एक बार फिर आप सबको जुमा मुबारक शाबाई पूरी की टीम की तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा तहे दिल से और फिर वही दुआओं के लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दुआओं में खुसूसी तौर पे जो है अपने आप लोग रिश्तेदारों को जो भी जिसको भी आप जानते हैं नहीं जानते हैं सबसे रिक्वेस्ट है जैसे आप भाई के लिए इंशाल्लाह दुआ करें अगला सफ़र उनका जल्दी शुरू हो आमीन सुमा आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू അമൃത്സർ ടൗണിൽ നമ്മളെ അട്ടാരി ബോർഡറിൻ്റെ റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ പള്ളിയാണ്ടോ ഈ ഒരു അമൃത്സറിലാകെ എണ്ണപ്പെട്ട പള്ളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമൃത്സറിലുള്ളൂ അങ്ങനെ ശാഖത്തെ പള്ളിയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പള്ളിയിലോട്ട് കയറട്ടെ ഇനി
മാനസം തേങ്ങും റുകുഴിലും പിന്നെ സുജൂതിയിലും മഞ്ഞാനെ കണ്ണീരാണെൻ്റെ നിസ്കാര പായയിലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി നടന്നു ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു.